हेलो प्रेज द लॉर्ड गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार करें। आज पांचवा अध्याय पढ़ने वाले हैं हम, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इससे पहले मैं न्यूज़पेपर देख रहा था एंड न्यूज़पेपर सेड दैट रब नहीं बना रहा है जोड़ी। जोड़ी कौन बना रहा है? केमिकल बना रहा है। केमिकल लोचा है दिमाग में इसी की वजह से। वैसे ये सच है, साइंस ये कहता है, बहुत सारी चीज़ें जो भी मनुष्य करता है उसके पीछे केमिकल ही होता है, यानी दिमाग में चलने वाली बात, मन को एक अलग मोड़ में ले जाने वाली बात, ये केमिकल चीज़ें हैं। अचानक से आपको शरीर में पसीना आ जाए और आप किसी चीज़ को देख के डर जाएं, आपके मन में अलग सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, या किसी को प्रेम के लिए, किसी को गुस्से के लिए, किसी को कुछ अलग अलग तरह की भावनाएं, ये सब केमिकल लोचा मतलब केमिकल का झोल माल बोला जाता है। अब कहते हैं कि तीन तरह के केमिकल्स हैं। मैं वैसे साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा और मेरे लिए आसान भी नहीं है, पर तीन तरह के केमिकल्स कहा जाता है जो कि प्यार में पड़ने की भावना को जगाता है। बट इज दैट ट्रू? क्या रब नहीं बनाता जोड़ी? मैं ये कहूँगा, इसका सीधा जवाब तो मैं ये दूंगा, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हम में से हर एक के लिए एक योजना बनाई है, और योजना लाभ की है, हानि की नहीं है। बट जोड़ी की बात करें तो जोड़ी में फैसला हम करते हैं कि मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो है अपनी इच्छा पर नहीं चलते। शादी से पहले बहुत सारे लोग क्रिश्चियन फैमिली में, ज़्यादातर मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मुझे लड़की पसंद नहीं, इसका ये लड़के में ऐसा, वो लड़के में ऐसा, ये लड़के में ऐसा। अब लड़का नहीं, अंकल भी नहीं मिल रहे उनको शादी करने के लिए। लड़कियां भी ऐसी हैं, लड़के भी ऐसे हैं, मुझे ये लड़की पसंद नहीं, ये लड़की ऐसी दिख रही है, उसका ऐसा है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसके माँ बाप चार हैं, इसके घर में ये हो रहा है, इसके घर में वो हो रहा है। दुनिया भर की बातें गिन लो आप, जो रीज़न दे रहे हैं सेंसिबल नहीं है। अब उनको लड़कियाँ क्या, आंटियाँ भी नहीं मिल रही है शादी करने के लिए, उम्र हो गई, और अब बहुत सारी बातें हैं। ये सब बातें अगर हैं तो आप रब की मिलाई बनाई जोड़ी को कैसे देख रहे हो? मेरे विवाह में कुछ ऐसा है, मैं इसी बात पे बिलीव करता था, वो जो चीज़ें मैं चाहता था मेरी पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी में हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसे ओके, अगर परमेश्वर ने मिलाया है तो परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। क्या मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कभी कोई शिकायत नहीं होती? ऑफकोर्स होती है, ज़रूर होती है, और बहुत बार होती है। बट वी बिलीव, आई बिलीव दैट कि ये रिश्ता परमेश्वर का बनाया हुआ है और इस रिश्ते को हमें हर हाल में निभाना है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना है। हर एक व्यक्ति जो ये सोचता है उनकी ज़िंदगी अच्छी है और उनके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी है, उनके परिवार के हर एक जन की ज़िंदगी अच्छी है, और ये होना ही चाहिए, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ पर एक लव लेटर चल रहा है और इस लव लेटर में जो सहभागी हैं, मिलकर संगति करते हैं, चैप्टर 5 लिखा है, वर कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ, मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया, मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। सहेलियाँ क्या कहती हैं वो भी सुन लो। लिखा, हे मित्रों तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मनमाना पियो। चौथा की तब वधु बोल रही है, फिर से दूसरे पद में, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, और मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी और मैं उसे फिर पहन कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांवों को धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस अबेड़ों के मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। जो चीज़ें हम चाहते हैं और हमारे अनुसार नहीं होती, देन वी फील लाइक वेरी बैड, और गुस्सा आता है, बुरा होता है, और जीवन की चीज़ों को हम अलग रीति से देखते हैं, जब तक वो मिल ना जाए तब तक, और मिलने के बाद कुछ और। पर क्या वाकई में सब कुछ वैसा है? ये तब होगा जब हम उस बात को उस रीति से देखें और धीरज के साथ समझें। परमेश्वर का वचन कहता है, धीरज धर, नम्र और दीन बन। पता, हर बात की कुंजी बेहतर समझने के लिए वो है नम्रता और धीरज धरना। नम्र बनना, दीन बनना, धीरज रखना, सभी बातों में आप शांति और बल पाओगे। पर जो लोग ना 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 भी चाहिए, बस मामला खराब है। फिर 7 पद में लिखा है, पहरेदार जो नगर में घूमते थे
मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पैरों ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धर कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उसे कह देना कि मैं तेरे प्रेम में रोगी हूँ। सहेलियों ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धरती है? फिर वधू कहती है, क्या मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है? वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटे को के समान काली है, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार में बैठे हुए हों, उसके गाल फूलों में फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं, उसके होठ सोसन फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है, उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं, उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है, उसके पांव कुंदन पर बस बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं, वह देखने में लबनोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के मनोहर है, उसकी वाणी अति मधुर है, वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। ये पांचवा अध्याय, कितने होंगे जो इस तरह से अपने प्रेमी के बारे में बखान कर सकते हैं? आजकल लोगों से बातचीत करो तो कुछ और। मुझे किसी ने एक मैसेज किया, बोले कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ, जिससे मेरा विवाह होने वाला है, वो मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, बहुत गंदा व्यवहार करता है मेरे साथ, मुझे मजदूर नौकर की तरह और अपनी दासी के समान समझता है। प्रार्थना करो कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए और हमारी शादी भी हो जाए। एक लड़की कह रही है ना, आई सेड वाओ, क्या बात है। इसके अंदर भावना तो देखो कि नहीं, उसे उसी से शादी करनी है, वो उसी के बारे में आज भी सोच रही है, अभी भी यही विचार करती कि मेरे लिए यही सही है जो उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करता हूं। अगर आप किसी से सच में प्रेम करते हो तो आप उसकी हर बात सह लेते हो और हर तरीके से आप उसके लिए समर्पित होते हो, अच्छा और बुरा हो। यू डू योर बेस्ट, आप अपना बेहतर उत्तम करते हैं, यू डोंट स्टॉप फॉर दैट। That's the love and longingness we can see for this chapter, in this chapter. प्रभु आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, लोग चाहे जो कुछ कहते हो, पर परमेश्वर ने आपको और मुझे समझ और बुद्धि दी है। हमने पढ़ाई की है, समझ ली है, ज्ञान हासिल किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया की सभी बातों पर विश्वास कर लें। अब हम जांच कर परख कर समझ लेंगे कि हमें करना क्या और क्या नहीं करना। मेरे ख्याल से ये बात तो पता है ना। लेट्स प्रे। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे ऐसी कि प्रभु संसार में रहकर संसार के ज्ञान के अनुसार न सोचें विचार करें, परंतु सब बातों को देखते हुए समझते हुए पवित्र शास्त्र में प्रभु जो तूने दिया है उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। मेरे भाई बहन जो संग और साथ हैं, प्रभु ने फलवंत का बलवंत कर उस और अनुग्रह से भर दे, आशीषों से भर दे, तुझ में चले, तेरे द्वारा चले, और जब तेरे आगमन का समय हो तो प्रभु तेरे लिए विश्वास योग्य ठहरे पाए जाए। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे, फलवंत करे, बलवंत करे, उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी। जय मसीह। हम कड़ी मेहनत करते हैं इस शरीर को बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, लेकिन क्या हम आत्मिकता के लिए भी ऐसी मेहनत करते हैं? आइए शुरुआत करते हैं विजनरी रेडियो पर, 24 घंटे 7 दिन।